वेलकम टू दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल में आपको जॉब और जॉब से रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों तीन लेटेस्ट अपडेट आई हैं दोस्तों, मैं आपके सामने आके बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अफ्री LDC MTS एंड फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, यानी MTS के फॉर्म निकले हैं, फॉरेस्ट गार्ड के निकले हैं। आगे बताता हूँ आपको क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे देखिए अफ्री का मतलब समझाता हूँ मैं क्या है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी अफ्री LDC MTS फॉरेस्ट गार्ड। ये तीन वैकेंसीज हैं, यानी तीन पोस्ट हैं। जो अप्लीकेशन स्टार्ट है वो कब से स्टार्ट है, 23 मार्च से स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है वो कब है, 22 अप्रैल, और एडमिट कार्ड आपको जल्द ही नोटिफाई कर दिए जाएंगे। फीस क्या है, 450 रुपये जनरल और OBC के लिए हैं, और SC ST के लिए है 150 रुपये। और जो ये जो एग्ज़ाम है ना वो कैसे है, ऑनलाइन है, यानी जो ये फॉर्म है ना ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा ना कि ऑफलाइन। यहाँ पे देखिए कितनी पोस्ट है टोटल, 18 पोस्ट हैं टोटल। एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल चलेगा, यानी SC को 5 साल के लिए और OBC को 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे ये है पोस्ट का नाम, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट या फिर फील्ड लैब या रिसर्च, इसमें कितनी पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, BSc केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, BSc होनी चाहिए, केमिस्ट्री में हो तो ठीक है, वरना एग्रीकल्चर में है तो भी चलेगा, यानी दोनों क्वालिफाई हैं। टेक्नीशियन के लिए क्या है, 10th 2 पोस्ट हैं, 10th और ITI होना चाहिए रिलेटेड, यानी प्लम्बर ट्रेड में और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। LDC के लिए क्या है, 4 पोस्टें हैं, और 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 35 वर्ड पर मिनट किस में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड की कितनी पोस्टें हैं, फॉरेस्ट गार्ड की 1 पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास है। MTS के लिए, यहाँ पे देखिए MTS के लिए कितनी हैं, 8 पोस्टें हैं, और क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइट है formnotice.com, यहाँ से जाके आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक पहली अपडेट, अब नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दूसरी वैकेंसी निकली है, इसरो में निकली है, VSSC फायरमैन एंड अदर ऑनलाइन फॉर्म 2021। क्या नेम है, इसरो VSSC फायरमैन एंड अदर ऑनलाइन फॉर्म, इश्यूड लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड रिजल्ट, ऑल कैंडिडेट्स रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। यहाँ पे देखिए मैं आगे बताता हूँ आपको, ये VSS का क्या मतलब है, VSS का मतलब है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आगे बताता हूँ क्या है प्रोसीजर इसका। यहाँ पे देखिए जो फॉर्म है ना, फॉर्म कब निकले हैं, अप्लाई स्टार्ट कब से होंगे, 22 मार्च से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, 5 अप्रैल है, और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट नोटिफाई यानी जल्दी ही सून कर दिए जाएंगे बाई इसरो यानी विक्रम साराभाई सेंटर के द्वारा। यहाँ पे देखिए दोस्तों जनरल के लिए, जो जनरल OBC और EWS के लिए कितनी फ़ीस कटेगी, 100 रुपीज़ कटेगी। SC ST एक्स सर्विस मैन और फीमेल के लिए क्या है, फ़ीस एग्जम्प्टेड है, यानी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। टोटल पोस्ट कितनी हैं, 13 पोस्टें हैं। एज लिमिट क्या है, 18 से 35 साल, 18 से 35 साल क्या है, एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल चलेगा। यहाँ पे देखिए मैं पोस्टों के बारे में बताता हूँ अब। यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट की है, ए ग्रेड, फार्मासिस्ट ए ग्रेड नहीं है, फार्मासिस्ट ए है, 10th पास है, और क्या होना चाहिए, 1st क्लास डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होना चाहिए, 1st क्लास, यानी जो वो होता है ना 1st डिवीज़न 2nd डिवीज़न, तो यानी यहाँ पे 1st क्लास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। दूसरी पोस्ट क्या है, लैब टेक्नीशियन ए,
इसमें दो पोस्टें हैं, 10th पास होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद है फायरमैन, फायरमैन में 8 पोस्टें हैं, 10th क्लास पास होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो साइट है यहाँ से आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो formnotice.com, और यहाँ पे अपना जो फॉर्म है ना वो अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी दो खबरें, और उसके बाद मैं तीसरी खबर पे चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए तीसरी लेटेस्ट अपडेट आ गया हूँ मैं, उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रोमोशन बोर्ड यानी UPPRPB लखनऊ हैज़ रिलीज्ड ए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अप 1329 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर SI एंड ASI। यहाँ पे बताता हूँ आगे क्या है सिस्टम इसका। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 1329 पोस्ट हैं, 1329 पोस्ट हैं, और जो SI की है ना UP पुलिस डिपार्टमेंट में, ये SI की कितनी हैं, SI यानी सब इंस्पेक्टर विजिलेंस जनरल की 21 पोस्टें हैं, EWS की 29 पोस्टें हैं, OBC के लिए 79 हैं, SC के लिए 61 पोस्टें हैं और ST के लिए 65 पोस्टें हैं। और उसके बाद बात करते हैं ASI की, ASI की कितनी हैं, यहाँ पे देखिए ASI की जनरल की कितनी है 251, EWS की कितनी है 62, OBC की 168, SC की कितनी है 131 वैकेंसीज, और ST की कितनी है 12 वैकेंसीज है। या फिर देखिए दोस्तों ये भी SI की हैं, वो कल रख की थी, ये अकाउंट्स के हैं। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, जनरल की 145, EWS की 35, OBC की 96 वैकेंसी हैं, SC की 75 वैकेंसी है, ST के लिए 7 वैकेंसी हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे UP पुलिस विजिलेंस लखनऊ डिपार्टमेंट, इसमें जो विजिलेंस वाला है SI की हैं, इसमें कितनी क्या हैं, जनरल के 18 पोस्टें हैं, EWS की 3 हैं, OBC की 8 हैं, SC की 6 हैं, और लेकिन ST की 1 भी नहीं है। अब ये देखिए नेक्स्ट पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कलर्क की हैं, ये भी ये UP जो लखनऊ डिपार्टमेंट है उसकी हैं। जनरल की कितनी हैं, 9 वैकेंसीज हैं, EWS की 2 हैं, OBC की 5 वैकेंसीज है, SC की 4 वैकेंसीज है, ST की इसमें भी 1 भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट क्या है, कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 1/7/1993 से नॉट लेटर देन 1/7 बोथ डेट इनक्लूसिव, यानी इन दोनों डेटों के अंदर ही कैंडिडेट का बर्थ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है आगे देखिए, फॉर सब इंस्पेक्टर विजिलेंस एंड असिस्टेंट यानी ASI क्लर्क के लिए क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम एंड शुड हैव टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी दोनों होनी चाहिए इसमें। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स की क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स की मुनीम की क्या है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स में होना चाहिए इसमें, और एंड शुड हैव टाइपिंग स्पीड 15 वर्ड पर मिनट की इसमें टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है, मेल के लिए क्या है, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 160 सेंटीमीटर किसके लिए होनी चाहिए, रिजर्व जो कैटेगरी है ना SC ST उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 73 से 82 होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए रेस कितनी होनी चाहिए मेल के लिए, 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट, यानी 5 किलोमीटर आप मान के चलिए रफली 5 किलोमीटर है ना वो 28 मिनट में रेस मारनी है आपको। और फीमेल के लिए कितनी है, फॉर फीमेल हाइट कितनी है, 162 सेंटीमीटर और 1/47/4 किसके लिए है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। और यहाँ पे देखिए रेस कितनी होनी चाहिए फीमेल के लिए, 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट, 16 मिनट में होनी चाहिए 2.4 किलोमीटर रेस। फीस कितनी लगेगी इसमें, 400 रुपये लगेगी फॉर ऑल कैंडिडेट्स।
यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के उसके बाद फिजिकल होगा इसका, और उसके बाद PMT होगा। यहाँ पे देखिए पे स्केल कितना है इसका, SI के लिए क्या है 35,400 से 112,400 तक है, और SI के लिए कितना है, SI के लिए 29,200 से 92,300 के मिड वे हैं। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये देखिए हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल या इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के यूजिंग गिवन लिंक बिलो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द ऑफिशियल डिटेल केयरफुली बिफोर एप्लीकेशन या फिर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या है, ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, और जो क्लोजर डेट है इसकी वो क्या है 30 अप्रैल। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट देनी थी आप सभी को, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल में आपको जॉब और जॉब से रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप हरियाणा पुलिस की के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार ज़रूर देखें उनको, मैंने शानदार कंटेंट डाला हुआ है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।